हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इन डिज़ाइनिंग में आपको फ्रंट पेज बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं फाइल में गया, मैंने किया न्यू, एक न्यू शीट लेता हूँ। तो मेरा माउस का लेफ्ट क्लिक थोड़ा सा ख़राब है, दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी दिक्कत आ रही है। तो जैसे मैं स्टार्ट वन से पेज वन शो करता हूँ कि मुझे वन पेज लेना है। ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस तरह का स्टाइल चाहिए, तो मैंने ओके किया। तो मैं इस तरीके से एक पेज लेके आता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, ये है रेक्टेंगल फ्रेम। मैं एक रेक्टेंगल फ्रेम लेता हूँ क्योंकि मुझे ना तो इसमें आउटलाइन चाहिए ना फिल कलर चाहिए, इस तरीके से। तो ये फ्रेम आ जाता है आपका। मैं फाइल में गया, आपने किया प्लेस। प्लेस करने के बाद ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, मुझे इस तरह का कुछ इमेज शो करनी है। तो जैसे ये इमेज आई, ये फटी रही है और ये फट रही है आपकी। तो जैसे मैंने इसको क्या किया यहाँ जाके, कि जब सबसे सबसे पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके फिट, ये फिट किया मैंने। आप ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया डिस्प्ले हाई क्वालिटी, थोड़ा क्लियर आए तो थोड़ा क्लियर आएगी इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, जैसे मैं यहाँ एक रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल लिया। आप यहाँ चाहें तो अपनी कंपनी का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो डबल क्लिक करता हूँ, आप इसमें कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ ग्रीन, ओके करता हूँ तो ये ग्रीन कलर आ जाता है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इस तरीके से आ रहा है ग्रीन कलर। कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं इस तरीके से। कंट्रोल माइनस करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, ये रेक्टेंगल मैं सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहें तो और भी गाढ़ा कलर शो कर सकते हैं, ओके करता हूँ। इस तरीके से आएगा, जिस तरीके का भी कलर आपको देना है आप यहाँ दे सकते हैं। अब इसका साइज़ थोड़ा सा मैं और छोटा कर रहा हूँ, जैसे इस तरीके से, कि कितना मुझे एरिया लेना है टेक्स का उतना आप शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं कि जैसे मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, मैं एक रेक्टेंगल और शो कर रहा हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल और दिया मैंने इस तरीके से, इस में रेक्टेंगल में मैं यहाँ तक देता हूँ इसको। अब आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसमें भी कोई कलर फिल करते हैं। तो जैसे मैंने इसमें कुछ ब्लैक कलर दिया, तो ओके करता हूँ, ये ब्लैक कलर आ जाएगा। अब ये सिलेक्ट नहीं है इसलिए ब्लैक कलर शो नहीं किया इसने। तो डबल क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ किया ओके, तो ये ब्लैक कलर शो कर देगा इस तरीके से। तो ब्लैक ना करने की वजह से ये एक छोटा सा पॉइंट मेरा यहाँ रह गया है आपका। आप यहाँ इसको सिलेक्शन टूल से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने इतना ले लिया जितना मेरा पेज है। बाद हम चलते हैं आगे, कि जैसे ये मैंने कुछ नोटपैड में कुछ टैग शो कर रखा है, आप यहाँ कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया। अगर आप चाहें तो और भी एक बॉक्स लेके इसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया इसको लोक, लोक लग गया आपका। अब मैं एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, मैंने इतना हिस्सा सेंटर में दिया इसको कि मुझे इतने एरिया में कोई टैग शो करना है अपना। अब आपने कोई टैग शो किया इसमें, अब टैग शो करने के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, मैंने किया कंट्रोल वी पेस्ट। मैं ऊपर से भी पेस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे जो प्रॉपर्टी बार है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ माउस से लेफ्ट क्लिक करके। आपने इतना ऐसा सिलेक्ट किया, आप इसका साइज़ बढ़ा रहे हैं, फ़ोन का साइज़। आप यहाँ से फ़ोन का साइज़ एक एक स्टेप भी बढ़ा सकते हैं, आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं कि कितना साइज़ आपको लेना है। तो जैसे मैंने इसको साइज़ को बढ़ाया इस तरीके से, तो ये इतना आ रहा है आपका। ये आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करा, फिर जैसे इसको इस तरीके से बढ़ाया तो ये एरिया के बाहर की तरफ चला गया। इसको थोड़ा सा इतना ले लेता हूँ। अब हम डबल क्लिक करते हैं, मैंने किया इसको वाइट कलर। मैं वाइट कलर देता हूँ क्योंकि पीछे ग्रीन कलर है, थोड़ा वाइट निकलता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये जो लाइन आ रही है, जब हम सेव करेंगे तो वहाँ ये चीज़ शो नहीं करेगा आपका। ऐसे फिर मैं इस जगह करूँगा, इसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे आपने यहाँ एक एरिया और लिया, जैसे मैं एक एरिया और शो करता हूँ इस तरीके से। और एरिया लेने के बाद फिर मैं नोटपैड में जाता हूँ, ये जो लाइन है ये मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। और मैंने फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ, और आपने इसमें टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया पेस्ट। ये पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल ए करता हूँ, फुल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब ये टैक्स मेरा दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं पहले इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ कि टैक्स मेरा लिखा भी गया है नहीं। तो जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया दोबारा, आपने यहाँ जो कर्सर है वो 12 है आपका, मैंने किया पेस्ट। तो ये मेरा पेस्ट नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा कोई टैक्स शो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ डिलीट।
डिलीट करने के बाद आप यहाँ आ गए, डबल क्लिक करता हूँ, कोई भी कलर, जो भी कलर देना है आपका। अभी ये मेरा टैग शो नहीं कर रहा था इसमें, तो सबसे पहले एक एरिया ले लेता हूँ। अब इस एरिया में क्या करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, ये टैग्स आ गया मेरा। टैग्स आने के बाद मैं कंट्रोल माइनस एक साइज़ को छोटा करता हूँ, इस तरीके से। इसका साइज थोड़ा सा मैं इसकी जो विथ है वो बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से। तो ये अब भी मेरा ये टैक्स बाहर जा रहा है, ये टैक्स थोड़ा सा बड़ा है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद इसका जो साइज़ है टैक्स का वो कम कर देता हूँ, जैसे मैंने किया इसको 10। तो अब मैं देखूँगा कि अब मेरा ये टैक्स इसके अंदर एडजस्ट हो गया। शिफ्ट दबा के इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब ये अलाइन आ गई, तो मैं अलाइन करता हूँ कि मुझे सेंटर में देना है और ये हाइट के सेंटर में देना है। तो जब मैं ये हाइट के सेंटर में शो कर रहा हूँ, तो ये हाइट के सेंटर में ले नहीं रहा, क्योंकि ये टैक्स है इसका जो नीचे तक लाइन आ रही है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गया, मैं इसको पहले फिट करता हूँ कि जितना मेरा टैक्स है उतना ही सिलेक्ट हो। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैंने सेलेक्ट किया, अब ये सेंटर में तो पहले से ही था, अब मैं इसको हाइट के सेंटर में देता हूँ, तो ये हाइट के सेंटर में आ गया इस तरीके से। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा वो टेक्स्ट दिखाई दे। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, सबसे पहले मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, आपने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, आप करते हैं कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, आपने किया डबल क्लिक, मैंने यहाँ कर दिया वाइट कि मुझे वाइट कलर देना था, तो ये वाइट कलर आ गया। अब ये जो पीछे वाली पट्टी है इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा ग्रीन ले लेता हूँ गाढ़ा, ये ग्रीन कलर में इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, तो आप ध्यान से देखें तो इसमें स्पेस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ जाके इसको थोड़ा सा पेज की विथ के हिसाब से ले लेते हैं, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। हम इसमें और भी तरीके से स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम इसको कंट्रोल माइनस करते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन टैक्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ भी इसको करता हूँ सेंटर में, कि ये सेंटर में आए और ये हाइट के सेंटर में आए, इस तरीके से। आप ऐसे कोई पेज शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हैंड टूल लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, आपने किया यहाँ एक रेक्टेंगल, मैं इस तरीके से कोई रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, डबल क्लिक करता हूँ, कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें, जैसे मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन में थोड़ा लाइट, तो ये ग्रीन है आपका, ओके। अब यहाँ मैंने इसकी आउटलाइन को डिलीट किया और यहाँ ऑपसिटी थोड़ा कम कर दिया, इस तरीके से। तो ये आप देख रहे होंगे मेरा बॉक्स भी दिखाई दे रहा है और पीछे की इमेज भी दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मैंने नोटपैड में कुछ टैग शो कर रखे हैं, आप ये कुछ टैग शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टैग्स लेता हूँ, इतना हिस्सा सिलेक्ट किया मैंने, तो इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, थोड़ा माउस में थोड़ा दिक्कत है, इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ टैक्स लिया और इतना एरिया लेके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इनको सारों को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए, और मैं यहाँ जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद पीछे मेरा ग्रीन है, पीछे ग्रीन कलर की इमेज है, तो मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं पीला कलर देता हूँ, जिससे कि वो जो मेरा कलर है वो थोड़ा निकल के आए, तो ये पीला कलर दिया। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, दिया इस तरीके से। जब बोल्ड करा तो मेरा कुछ टैक्स नीचे की तरफ चला गया, तो मैं थोड़ा सा इसको और इस तरीके से ले लेता हूँ, कि थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। तो थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये ऐसे आएगा, इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं हम। यहाँ गए हम, इसको थोड़ा सा जो हमारा बैकग्राउंड था उसको थोड़ा सा और आगे कर देंगे, ऐसा कुछ बना देंगे। आप यहाँ गए, आपने यहाँ जाके इसका जो साइज़ है ये मैं थोड़ा सा खुला खुला शो कर देता हूँ इसको, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ जाके फिट, कि ये फिट हो जाए, तो ये फिट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड का जो साइज़ है इसको भी मैं फिट कर देता हूँ, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अगर आप चाहें तो यहाँ कोई बार कोड शो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कोरल में जाना पड़ेगा बार कोड के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम आगे चलते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल और शो कर रहा हूँ ऐसे ही। अगर आप चाहते हैं तो उसको होल्ड दबा के कॉपी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, आप यहाँ कोई भी और कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर दिया, ओके करता हूँ। अब मैं ब्लैक में क्या करता हूँ, ऑप्सिटी कम करता हूँ, तो यहाँ जाके मैंने ऑप्सिटी कम करी, तो ये क्या कर रहा है, पूरे सीट की ऑप्सिटी कर रहा है, क्योंकि वो मेरा सिलेक्ट हुआ नहीं है।
तो मैंने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, तो ये इस टाइम रेक्टेंगल मेरा सिलेक्ट है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर शो होगा हमारा, तो मैं फिर नोटपैड में जाता हूँ, मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, आप करते हैं कंट्रोल सी कॉपी। इसके बाद मैं यहाँ जाके मैंने फिर एक एरिया लिया टेक्स का, इस तरीके से कोई एक एरिया ले रहा हूँ टेक्स का। अब हम यहाँ इसको करते हैं पेस्ट, मैंने ये पेस्ट किया तो ये इस तरीके से आ रहा है। मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, आप करते हैं यहाँ जाके डबल क्लिक, आपने किया इसको वाइट कलर, क्योंकि पीछे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है आपका। इसके बाद मैं इसको करता हूँ बोल्ड, तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको, फिर आप इसको करते हैं यहाँ जाके बोल्ड। अगर आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, मैंने इसका थोड़ा साइज बढ़ाया कि साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे ये। इसके बाद आप यहाँ इसको इस तरीके से थोड़ा सा खुला खुला शो करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो यहाँ जाके फिट कर देता हूँ, ये फिट हो गया आपका। इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ऐसा दिखाई देगा आपका। और ये अगर बिल्कुल अलाइन के हिसाब से चले तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाके और इसको सिलेक्ट करके अलाइन शो कर देंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया यहाँ जाके अलाइन, अभी अलाइन का शो नहीं कर रहा, इसको नीचे करना पड़ेगा कर्सर को। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ अलाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे कोई बार कोड शो करना है या जैसे कोई इलिप्स शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो जैसे मैंने इलिप्स पे क्लिक किया, ये इलिप्स आ गया इस तरीके से, इस तरीके से इलिप्स आ गया ये आपका। और इस इलिप्स को आप चाहें तो इस साइड भी शो कर सकते हैं, क्यों उसमें नीचे की तरफ मेरा बार कोड आ जाएगा। जैसे यहाँ शो करता हूँ, आपने किया यहाँ पीला कलर, तो जैसे मैंने यहाँ पीला कलर शो किया, ओके पीला कलर आ गया। पीले पे अगर हम कोई टैग शो करते हैं तो वो होता है हमारा ब्लैक, तो मैंने एक एलिप्स और लिया, इस तरीके से मैं एक एलिप्स और ले रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, टैग्स में गए, जैसे मैंने यहाँ टैग्स पे शो करता हूँ, तो मैं कुछ ये टैग्स ले लेता हूँ। आपने किया कंट्रोल सी कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं इसमें यहाँ शो करता हूँ, मैंने किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके सिलेक्ट सारों को, कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, आपने किया यहाँ सेंटर, सेंटर में आ गया या आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा साइज़ बढ़ाते हैं, इस तरीके से मैंने थोड़ा साइज़ बढ़ाया इसका। साइज़ बढ़ाने के बाद हम करते हैं डबल क्लिक, पहले से ये ब्लैक में होगा तो मैंने किया बोल्ड, ये बोल्ड हो गया आपका इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट में गए, हमने किया यहाँ जाके इसको फिट, तो ये फिट हो गया आपका। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर में देता हूँ। अब हम इसको करते हैं यहाँ कि ये हाइट के सेंटर में और ये विथ के सेंटर में इस तरीके से आए, ये आ गया आपका। तो ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं। ये जो लाइन शो कर रहा है, ये लाइन आपका जो है ये इसमें शो कर रहा है, बाहर शो नहीं होगी आपकी। अब हम बार कोड बनाते हैं, तो बार कोड के लिए मुझे कोरल में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो बार कोड है वो एक जैसे पेटीएम का बार कोड होता है ऐसा शो करता है। तो कोरल स्टार्ट करते हैं, कोरल X8 है मेरे पास। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ इंसर्ट बार कोड, बार कोड पे जाता हूँ, ये बार कोड का स्टाइल है, तो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये फिलहाल मैंने ये 10 डिजिट का मतलब नंबर लिया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये क्वालिटी है कुछ, तो ये इस तरीके से एक बार कोड बना के दे देगा, इस तरीके से बार कोड बन चुका है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैंने किया यहाँ फाइल में गया कंट्रोल ई एक्सपोर्ट, आप मैं इसको JPG बनाता हूँ। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आप यहाँ करते हैं JPG, मैंने JPG पे क्लिक किया, ये JPG है आपका। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने फिलहाल बी दिया, आप यहाँ बी करते हैं, बार कोड एक्सपोर्ट करता हूँ, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो गया। ये शो कर रहा है RGB किसमें हमें देना है, तो अभी हम इंटरनेट पे आपको ये लेके जाएंगे, तो हम इसको RGB शो करते हैं। अगर प्रिंटिंग के लिए तो CMYK है आपका। अब जैसे ये बार कोड यहाँ बन के आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में गया दोबारा इन डिज़ाइनिंग में, फाइल में गई, मैंने किया प्लेस पे क्लिक, आप यहाँ बार कोड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ जाके आप शो कर सकते हैं बार कोड, ये बार कोड नीचे की तरफ शो होता है आपका। अब ये थोड़ा फट रहा है, क्लियर नहीं आ रहा, तो डिस्प्ले में गए, मैंने किया हाई क्वालिटी, तो ये थोड़ा क्लियर आ जाएगा। अब जो ये मेरा एलिप्स है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, तो ये एलिप्स मेरा यहाँ की जगह पूरा का पूरा पेज हिल गया है, क्योंकि ये पेज मेरा सिलेक्ट नहीं था। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके इसको करता हूँ लॉक, लॉक लगाया मैंने पेज को। अब हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये आपका यहाँ आ गया,
तो ऐसी जो मैगजीन का पेज होता है वो इस तरीके से कुछ होता है आपका, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसका साइज खींच सकते हैं। तो ये खींचने पे कि ये क्या कर रहा है कि ये बॉक्स खींच रहा है, टैक्स नहीं खींच रहा, तो ऑब्जेक्ट में जाके मुझे इसको पाथ बनाना पड़ेगा। तो पाथ बनाने के लिए सॉरी टाइप में गए, क्रिएट क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करता हूँ, ये पाथ बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा खींच सकता हूँ। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ फाइल में गए, मैंने किया इसको प्लेस, तो मैं करता हूँ यहाँ फाइल में जाके पीडीएफ हाई क्वालिटी, मुझे किसी भी हाई क्वालिटी के नाम से देना है इसको। मैं सेव करता हूँ इसको, यस। तो ये क्या करता है, ये पीडीएफ बना देता है। नॉर्मल फ्रंट पेज बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक फ्रंट पेज बनाया सिंपल सा, कि आप इस तरीके से कोई फ्रंट पेज शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।